उनके तलवे चाटते हो, जो बदले में सौदा करते तुम उनके तलवे जाके चाटते हो। ये बोलने में भी मुझे झिझक नहीं है, सही बात है। और किसके कहने पे आया वो भी मैं समझ रहा हूँ। ये शब्द हैं शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के, जो किसानों के लिए गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो भी तब जब किसी जरूरी काम के लिए किसान मंत्री सकलेचा के पास आए थे, लेकिन शिकायत सुनकर उसका निराकरण करने की बजाय मंत्री किसानों पर ही भड़क गए। दरअसल किसानों की भूमि पर खनिज मंत्रालय द्वारा लाइम स्टोन की खदान का पट्टा 50 साल के लिए राजस्थान के चंदेरिया की फार्म को स्वीकृत कर दिया गया। खास बात यह है कि कुल 221.043 हेक्टेयर भूमि पर यह खदान स्वीकृत की गई, जिसमें केवल 26.302 हेक्टेयर भूमि शासकीय है, जबकि 194.681 हेक्टेयर जमीन किसानों की निजी है। किसानों को उनकी भूमि पर खदान स्वीकृत होने की जानकारी तब मिली जब दावे आपत्ति के लिए प्रशासन ने जनसुनवाई रखी। किसान आक्रोशित हो गए और तीखा विरोध किया। इसी मामले में किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में मंत्री सकलेचा के पास पहुंचे, लेकिन इस चर्चा के दौरान मंत्री के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कह दिया कि तुम किसके तलवे चाट रहे हो। तो हम हमारी एक जो कम से कम 194 हेक्टर लगभग 1100 बीघा जमीन जो निजी जमीन है, उसके अलावा कुछ 36 हेक्टर भी सरकारी जमीन है, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा या कैसे, ये हमें अभी ग्रामीणों को पूरा पता भी नहीं है कि किस प्रकार खदानों की और जो हमारी निजी जमीन जो खेती जहाँ पे हम बरसों से खेती करते आ रहे हैं वो जमीन लीज हो चुकी है। तो हम इस पे बारे में उनसे बात करने गए थे, तो जैसे ही बात हो रही थी तो उनका यूँ कहना था हमारे से, तुम किसके कहने पे आए हो, किसके इशारे पे आए हो और किसके तुम चाटुकारिता करते हो, किसके तुम तलवे चाटते हो। तो मंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहते थे कि जो हमारी जमीन है तो उसका लीज रुकवाया जाए। तो मंत्री जी ने ऐसा अपशब्द बोला हमारे से कि तुम चाटुकारी तलवे चाटते हो। तो मंत्री जी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके शब्द ये वापस लिए जाए और किसानों से और हमारे सुहागढ़ा के मजदूरों से आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि किसानों से 40 साल पर जिन किसानों को 40 साल से ऊपर कब्जा है तो उनके पट्टे दिए जाएंगे, एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जो किसानों के प्रति कि किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर जिस प्रकार इनकी नीतियाँ है ऊपर से लगाकर, ऊपर भी देख रहे हैं अपन तो अडानी और अंबानी को ही पूरा सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, सब वहीं बिक रहे हैं और यहाँ भी उद्योगपतियों को जमीन बेच रहे हैं। और हम मंत्री जी से एक बार और आवेदन निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि उनके जो उन्होंने जो कहा उन पर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और हमें कोर्ट की शरण में भी जाना पड़ेगा, तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। क्या नाम आपका? देवेंद्र पाटीदार। इनके लिए गए थे जो कि उसने लीज करवा ली, कोई है चित्तौड़गढ़ का, चंदेरिया का रहने वाला है, उसने हमारी जो निजी ज़मीन है उसको भी लीज करवा दिया। इसी पक्ष में हम गए थे मंत्री जी के पास कि हमारी कोई सुनवाई हो, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और अपशब्द बोले उन्होंने। तो हाँ, अब इस तरह से आप किस तरह से मंत्री जी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करेंगे? चक्का जाम भी कर सकते हैं, और जो भी किसान भाई हमारे साथ में है अगर उनका जो भी रहेगा चक्का सब मिलजुल के चक्का जाम करेंगे, फोर लाइन जाम करेंगे या अनशन पे बैठेंगे, बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। क्या नाम है? विमल पाटीदार। बता दें कि मंत्री सकलेचा के बयान के बाद किसानों में आक्रोश का माहौल है, वे अब माफी की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन किसानों की मांगें पूरी होती हैं या फिर ऐसी ही बयानबाजी चलती रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नीमत से सिराज खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।